नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। जौनपुर में आज चुनाव है तो माहौल गर्म है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज यानी 3 जुलाई को होने वाले चुनाव की सारी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। आज 11 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 3 बजे तक मतदान के बाद मतगणना भी कर ली जाएगी। अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 83 जिला पंचायत सदस्य करेंगे। चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। मतदान स्थल जिला अधिकारी का न्यायालय कक्ष बनाया गया है। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान स्थल से लेकर जिला पंचायत सदस्यों के आने जाने के रास्ते तक की जाँच शुक्रवार को जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी समेत पूरी पुलिस फोर्स ने किया। साथ ही हर किसी को उनके हिसाब से जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारी का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मतदान स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। पर्याप्त मात्रा में मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। मतदान करने वाले जिला पंचायत सदस्यों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार हैं, अर्थात मतदाता मत को अधिमान व वरीयता के रूप में अंकित कर सकेंगे। कोविड हेल्प डेस्क के साथ मौके पर एम्बुलेंस भी रखने का निर्देश जिलाधिकारी ने दे दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि CCTV कैमरे के साथ साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी जांच कराई जा सके। आपको बता दें कि जौनपुर जिले के पहले नागरिक का ताज किसके सिर पर होगा, यह तो आज शाम को ही पता चलेगा। लेकिन हर कोई अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहा है। चुनावी मैदान में सपा से निशी यादव, निर्दल श्रीकला धनंजय सिंह, अदवा भाजपा गठबंधन से रीता पटेल और भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रही नीलम सिंह मैदान में हैं। आपको एक और बात बता दें कि आज कौन कौन से मार्ग बंद रहेंगे। SSP ने कुछ मार्गों को लेकर बताया कि आज चुनाव के कारण वो मार्ग बंद रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और PSC बल तैनात रहेगी। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। साथ ही CCTV कैमरा लगा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए शनिवार को शेखपुर तिराहे से लेकर अम्बेडकर तिराहे तक तथा लाइन बाजार चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तिराहे तक का रोड आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। वोटर्स अम्बेडकर तिराहे से अपने वाहनों से कलेक्ट्रेट तिराहे तक आ सकते हैं। बंद किए गए रोड पर केवल चुनाव में लगे कर्मचारी, अधिकारी व अन्य लोगों को आने के लिए अनुमति होगी। सभी बैरियर पॉइंट पर CO तैनात किए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।